हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जैनेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, मैंने वो एक सांस में कहा। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस है आज आप लोगों के लिए। मैं मैजिक बॉक्स से आज सारे मैसेजेस निकाल रही हूँ। यहाँ पर कोई फाइनल डिसीशन टाइम चल रहा है, लाइक किसी चीज़ को लेकर के इस टाइप अब फुल एंड फाइनल करते हैं, जो भी डिसाइड करना है अब, और लटकाते नहीं है। हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना नहीं चलना चलेगा, या तो हाँ या फिर ना। इस टाइप कोई है जो कॉन्स्टेंटली किसी डिसीशन को पोस्टपोन कर रहे थे, एज इफ यू नो, अगर वो फैसला नहीं लेंगे तो सब कुछ ऐसे ठीक सा हो जाएगा। बट अचानक से उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वो डिसीशन नहीं लेते तो कोई और उनका हो करके डिसीशन ले सकता है, ठीक है। एंड यू कैन नॉट बी श्योर कि वो जो डिसाइड करेंगे वो सही है या गलत है। एंड काइंड ऑफ ये आपको किसी और के हाथों या किस्मत के हाथों आपको कठपुतली भी बना सकता है, अगर आपने चीज़ों को ऐसे ही बीच में लटकते हुए छोड़ दिया तो। Somebody is trying to take the situation in their hand ताकि वो उसे अपने तरीके से मूव कर सके। फाइनली इस पर्सन को थोड़ी सी बुद्धि आ रही है। आई लेफ्ट माई नेटिव होम, तो दिस माइट बी द डिसीजन टू लीव नेटिव होम, मतलब जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, जन्म स्थान। तो किसी ने डिसाइड किया कि वो अपना जन्म स्थान छोड़ देंगे। दे लेफ्ट, दे ऑलरेडी गॉन, ठीक है। तो द डिसीशन हैज़ बीन मेड क्वाइट। आई फील कि ये डिसीशन उन्होंने बहुत इस तरीके से ये डिसीशन लिया गया कि बहुत लंबे समय से वो सोच विचार कर रहे थे, और अपना डिसीशन बताने के बाद अब वो चुप हो गए। लाइक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि अचानक इसको क्या हो गया यार। लाइक अब तक तो सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा था, पर अब ये अचानक से अपने मुताबिक कैसे चल रहा है। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी, काफ़ी गॉसिप चल रहा है। देर इज़ अ लॉट ऑफ गॉसिप इन दी एयर, लोग समझने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों, क्या डिसीजन लिया गया, ये पर्सन ऐसे डिसीजन में इस नतीजे पे कैसे पहुँचे। एंड देर ऑल्सो होपिंग, आई एम हियरिंग कि कोई यहाँ पर बड़ा कॉन्फिडेंस है कि ये पर्सन ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, इसे पलट को तो यहीं पर ही आना है। एक ऐसी वाली एक वाइब है। वीव गॉट कार्मिक सिस्टर, तो दिस माइट बी योर कार्मिक सिस्टर जिसके लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है। आई एम प्रेगनेंट, तो योर कार्मिक सिस्टर माइट बी प्रेगनेंट। वीव गॉट किंगशिप लॉस नाउ अ प्रेजेंट, तो या दिस इज समथिंग लाइक, ऐसा लग रहा है जैसे कार्मा प्ले आउट हो रहा है। समबडी इज लूजिंग लाइक कुछ चीज़ों को, एनी पर्सन प्रेग्नेंट है। यू माइट बी रिसीविंग कार्मा पे बैक, लाइक ये एनर्जी ऐसी है ना कि आप इस पर्सन को ना सिर्फ जानते हो, इट्स लाइक बहुत सडन ये चीज़ हुआ है, एक झटका लगा है, किसी ने देखा नहीं था ऐसा कुछ होगा। एंड इस लाइक चीज़ें आपके लिए काइंड ऑफ की गई थी, लाइक प्रॉब्ली ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन से आप गुजरे थे, तब वो प्रॉब्ली खड़े होकर हंस रहे थे। कार्मिक सिस्टर ने शायद आपके लिए मुसीबतों को खड़ा किया था, अब खुद वो ऐसे सिचुएशन में पड़े हैं। बार बार करके देयर इज अ सेविंग एनर्जी कि बार बार करके कोई ना कोई उन्हें बचा लेते थे, या चीज़ों को पूरी तरीके से लाइक टावर को गिरने से काइंड ऑफ बचा देते थे। बट इस पर्सन का डाउनफॉल, इस कार्मिक सिस्टर का डाउनफॉल ऐसा है कि ये स्टेप बाय स्टेप नीचे गिर रहा है, एक झटके में ऊपर से नीचे नहीं गिर रहा है। दिस इज़ लाइक लेवल बाय लेवल, किश्तों में ये नीचे की तरफ गिर रहा है। वी गॉट फॉल्स लवर, लवर टर्न्ड एनमी, तो दिस माइट बी दैट लवर जो अब उनके दुश्मन बन चुके हैं,
या वी बट अरेंज मैरिज, मैरिज इज अ डील, या दिस आपके कार्मिक सिस्टर ने किसी ऐसे पर्सन से शादी की थी जो प्यार के बेसिस पे नहीं था, पर इट वाज मोर लाइक एन अरेंज, एक अग्रीमेंट था कि मुझे ए बी सी डी चीज़ें तुमसे चाहिए, तुम मेरी इच्छाओं को पूरा करो और मैं तुम्हारे शौकों को पूरा करने दूंगी, एंड लेट्स जस्ट बी टुगेदर। पर इट सीम्स लाइक कि उनका जो लवर है उनका मन भर चुका है आपके कार्मिक सिस्टर से, एंड द डील इज ऑफ, या उन्हें कोई और मिल गया है जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ओह माय गॉड, व्हाट अ टाइम है। देयर सडन यहाँ पर अंधेरा। ओके, वी गॉट, लेट्स जस्ट कंटिन्यू। वी गॉट योर फ्रेंड नीड्स हेल्प, या तो ये आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिसे आपने बहन की तरह माना था। वी गॉट सी, ठीक है, वो अपने दोस्तों से काफ़ी हेल्प मांग रहे हैं, बहुत एंशियस होकर के हैं। वी गॉट एंजाइटी। वी हैव 8231 इन जो नंबर। व्हेन यू राइज आई राइज, व्हेन यू फॉल आई फॉल विथ यू। तो ये एक धमकी की तरह फील हो रहा है कि आपका कार्मिक सिस्टर अपने फॉल्स लवर को, अपने पति को, बिकॉज ये सिस्टर है तो आई स्टिक टू द मैसेज, आप लोग रूल स्विच कर लेना अगर ये आपका कार्मिक ब्रदर है तो, या मेल फ्रेंड है तो। दिस इज लाइक अगर मैं गिरी तो मैं तुम्हें अपने साथ साथ ले डूबूंगी, लाइक दैट काइंड ऑफ एक धमकी चल रहा है यहाँ पर। वी गॉट चंपा, बैड हेल्थ, तो ये पर्सन सफ़र कर रहे हैं। आई फील कि यहाँ पर इल्ज़ाम लगा है आपके कार्मिक सिस्टर के ऊपर कि जब से तुम मेरे लाइफ में आए हो मेरा हेल्थ खराब हो रहा है, मेरा स्पिरिचुअल हेल्थ ख़राब हो रहा है, मेरे घर के लोग बीमार पड़ रहे हैं, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तुम्हारे साथ सेक्शुअली इंटरमेट होने के बाद आई एम फीलिंग इल, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ यू नो आपका कार्मिक सिस्टम एक एनर्जी वैम्पायर, नार्सिसिस्ट या इनक्यूबस सक्यूबस एनर्जी रहे हैं, तो ऐसे में उनका अपने पार्टनर को ड्रेन करना फाइनेंशियली एनर्जेटिक वाइज, सेक्शुअल एक्टिविटीज़ के ज़रिए उन्हें ड्रेन करना, ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। तो उनका जो पार्टनर है उन्हें शायद इसी बात का गुस्सा हो सकता है कि यार मैंने तुम पर विश्वास किया था, वी हैड अ डील कि हम एक दूसरे का साथ देंगे, पर तुम तो मेरे पीठ पीछे इस तरीके से मेरा नुकसान कर रही थी, मुझे हर्ट कर रही थी, मैंने अपना एंड का डील मैंने रखा है, एंड आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ यू, ठीक है ना, बट तुम तो बदले में मुझे बीमार किए जा रही हो, सो वी गॉट, सो दिस माइट बी एन इंजीनियर। या सो यहाँ पर एक खुलासा हुआ है आपके कार्मिक सिस्टर के बारे में दैट उनका जो पार्टनर है उसके एनर्जेटिकली डिस्टॉर्टेड होने के बारे में उन्हें पता चला है। दे नो दैट दिस इज़ अ कार्मिक सोल और वो किसी का भला नहीं कर सकता, एंड प्रॉब्ली वो इनके साथ रिलेशनशिप में आकर के बहुत ज़बरदस्त तरीके से बुरे सिचुएशन में फंस गए हैं, एंड दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू मूव अवे कार्मिक सिस्टर से ताकि वो अपने आप को बेहतर जगह पे लेकर के जा सके। दे प्रॉब्ली हैव दे ऑलरेडी फाउंड समबडी एल्स बिकॉज इनके बीच में प्यार नहीं था। वी गॉट आई रिमेंबर यू वो द टी शर्ट दैट नाइट, ये आपका कार्मिक सिस्टर है बार बार करके उन्हें उन प्यार भरे मोमेंट्स को याद दिलाने की कोशिश करे कि वो स्पेंड सो मच ऑफ गुड टाइम टुगेदर, उन अच्छे वक्त के लिए तो रह जाओ, डोंट लीव, आई क्राइड फॉर यू, आई स्टिल वॉन्ट यू, बट आई डोंट नो हाउ टू मेक माई वे बैक, या आई, ये एनर्जी इज़ मोर लाइक मुझे याद है कि हमने काफ़ी अच्छी समय हमने एक साथ बिताया है, बट नाउ आई एम इमोशनली गॉन, मुझे नहीं पता कि मुझे वापस कैसे आना है बिकॉज मैंने तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देख लिया है, एंड आई एम इन अ शॉक। वी वर 2013 ब्लैक डॉग, क्रो स्पिरिट, पूर्वी, दैट्स द लेटर पी, कुमारी, सो दैट्स लेटर के, वी गॉट 111, ये एक पर्सन के लिए तो नई बिगनिंग है और दूसरे के लिए ये फोर्स्ड चेंज है, तो ये कार्मिक सिस्टर के लिए एक फोर्स्ड चेंज है,
ऐसा एक चेंज जो वो चाहती नहीं है, जो उसके जो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती, पर उसके लवर के लिए, उसके पार्टनर के लिए इज़ लाइक उसके लिए एक नई बिगनिंग है, क्योंकि प्रॉब्लम उन दोनों के बीच में कार्मिक टाइज थे और वो अब ख़त्म हो रहा है और वो अपने नए लाइफ की तरफ मूव करे. आई एम चेंज या सो इट्स लाइक मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है, सो आई एम लीविंग. ये उनके पार्टनर का कहना है, आपके कार्मिक सिस्टर का पार्टनर का कहना है, वी गॉट लविंग सोल या सो दे फाउंड समबडी जो उनका परफेक्ट मैच है. तो उन्हें ऐसे कार्मिक पर्सन के साथ, कार्मिक डील वाली मैरिज में रहने की ज़रूरत नहीं है. दे कॉलिंग ईच अदर्स नेम्स लाइक बहुत गंदे तरीके से फाइट चल रही है. दे कॉलिंग ईच अदर लेज़ी, दे कॉलिंग ईच अदर डॉग्स कैट्स, लाइक लिटरली यहाँ पर गंदा फाइट चल रहा है. लाइक इफ़ यू नो कि आपकी कार्मिक सिस्टर झगड़ेलू है एंड दे कैन गेट रियली नास्टी, तो येस उनके बीच में बहुत गंदा झगड़ा चल रहा है. वी गॉट राशि, सो दैट्स लेटर आर. वी गॉट एजाज, बी केयरफुल विथ योर कार्ड. यहाँ तो आई फील कि यहाँ पर थोड़ी सी लूटपाट टाइप वाली भी चीज़ हुई है. लाइक अगर ये पार्टनर उन्हें फाइनेंशली सपोर्ट कर रहे थे, प्रॉब्ली ऑफकोर्स अगर हस्बैंड थे तो फाइनेंशली तो सपोर्ट करेंगे, तो ये आपका कार्मिक सिस्टर जो है वो पीठ पीछे उनके क्रेडिट कार्ड से काफ़ी सारे पैसे निकाल चुके हैं, फील काफ़ी खर्चा कर चुके हैं. वी गॉट आकाश, वी गॉट लेटर ए, रिकग्नाइज व्हाट्स कीपिंग यू स्टक. या आई फील कि ये जो उनका पार्टनर है, द हस्बैंड, आपके कार्मिक सिस्टर का हस्बैंड, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या है जो अभी भी उन्हें इस सिचुएशन में बांध के रखा है. और जिस सेकंड उन्हें इस बात का एहसास होगा कि कैसे वो अपना पीछा छुड़वा सकते हैं, वो कार्मिक सिस्टर से पीछा छुड़वा लेंगे. लाइक गेटिंग अ डिवोर्स माइट गेट लिटिल मेसी, बट एनर्जेटिक वाइज अगर आपके कार्मिक सिस्टर टूटता करती हैं एंड थोड़ा सा टॉक्सिक चीज़ें अगर करती है, तो प्रॉब्ली उसने एनर्जेटिक कॉल्स अपने हस्बैंड, अपने लवर के सिस्टम में डाला होगा. तो वो एक्चुअली जानने की कोशिश करें कि क्या है जो एनर्जेटिकली उन्हें ड्रेन कर रही है. और एक बार उन्हें समझ में आ जाएगा ये स्पिरिचुअल वर्क कैसा होता है, कैसे अपने आप को वो कॉर्ड प्लकिंग कर सकते हैं, तो वो कर लेंगे. एंड यू डोंट बी सरप्राइज अगर ये मदद मांगने के लिए आपके पास आते. लाइक अगर उन्हें पता है कि आप एक स्पिरिचुअली वोकन पर्सन हो, ठीक है, और आपको इन सारे विषयों में काफ़ी जानकारी है, तो वो आपके पास हेल्प मांगने के लिए आ सकते हैं, वो और उनका नया पार्टनर. वी गॉट माउस, माउस स्पिरिट. इट्स टू लेट, द बिटरनेस हैज स्प्रेड ऑल ओवर. या तो उनके रिलेशनशिप में काफ़ी जहर घुल चुका है बिकॉज ऑफ द वे दे हैव बीन ट्रीटिंग ईच अदर. जो जिस तरीके से, जिस सोच, जिस इंटेंशन के साथ वो एक दूसरे के साथ मूव कर रहे थे ना, इट वॉज वेरी नास्टी. इट डिड गेट वेरी नास्टी. अंत तक बहुत चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो गई. योर वेज आर वेरी टॉक्सिक. वॉट वॉज सोन मस्ट बी रीप्ड. या तो जो बोगे उसी को वही फल तुमको मिलने वाला है. सो लाइक दैट. तो ये कार्मिक, आपके कार्मिक सिस्टम ने काफ़ी फ़ायदा उठाया, उटपटांग हरकतें की है. जब उसे मौका मिला वो लूटपाट मचाई है एंड नाउ अब उसको हिसाब देना पड़ रहा है. या वी गॉट चिंपैंजी जस्ट व्हेन आई सेड दैट. तो बंदरपंती इसने किया है एंड अब उसको सेक्स स्पेल्स दो. आई सेड कि सेक्सुअली ड्रेन किया है, सेक्स स्पेल्स किए हैं. तो उनका ये हस्बैंड स्पेल वर्क से बंधे हुए हैं आपके कार्मिक सिस्टर से, और वो अब रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो और उनके नए पार्टनर, कि कैसे वो अपने आप को इस सिचुएशन से मुक्त कर सके. वी गॉट एच, वी गॉट फोन्स. तो थ्रू फोन कॉल वो आपको, आपके साथ कनेक्ट कर सकते. वी गॉट द कलर रेड, सो दैट्स लॉट ऑफ पैशन. उनके रिलेशन, उनका रिलेशनशिप काफ़ी पैशनेट रहा हो, लाइक अ लॉट ऑफ सेक्स, बट बस
वही था और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सेक्सुअली इंटरमेट होते वक्त इस कार्मिक सिस्टर ने उसके साथ गड़बड़ कर दी, आपकी कार्मिक सिस्टर ने उनके साथ गड़बड़ कर दी। आई वोंट लेट गो या स्कॉर्पियो एनर्जी, सो राइट। लेसन इनका जो स्प्लिट है ये फाइनल स्कॉर्पियो सीजन में हो सकता है, आप वो या उनका पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, उनका नया पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एंड वीव गॉट आई वोंट लेट गो, दिस मून लाइक जिद, आपकी कार्मिक सिस्टर उन्हें जाने नहीं देना चाहते हैं। वीव गॉट गगन, सो दैट्स द लेटर जी। वीव गॉट रजत, सो वीव गॉट दैट्स आर। वीव गॉट द लेटर एन, अगर आपके मन में कोई सवाल था तो उसका जवाब है नहीं। वीव गॉट आई वॉन्ट हीलिंग, वाह ओके, तो दैट्स अ कन्फर्मेशन, वो हीलिंग मांग रहे हैं। वीव गॉट आई एम इन ट्रबल। वीव गॉट सुनंदा एस। वीव गॉट सैडनेस, तो यार दिस पर्सन का इज प्रिटी सैड, लाइक उन्हें अपने डिसीजन पर बहुत रिग्रेट हो रहा है। वीव गॉट 715। वीव गॉट रांझरी, सो दैट्स द लेटर आर। डिम्पी, सो दैट्स द लेटर डी। We've got Koshio, so that's the letter K. We've got hopeless, yeah, वो they're feeling hopeless, like काफ़ी वक्त से वो कोशिशें कर रहे थे अपने आप को छुड़वाने के लिए और अब वो धीरे धीरे tired हो रहे हैं। We've got intensed, wow. We've got I'm in tension, of course आप tension में तो हो गए। I want to build with you, our dreams were real, your wishes are real, तो या फॉर सम ऑफ यू गाइज ये आपका एक्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर उसकी बहन ने कोई स्पेल वर्क किया था। वी गॉट पूर्वा, सो दैट्स द लेटर पी। रॉन्ग पीपल कैन नॉट वैल्यू यू, वेट, डिवाइन हैज प्लान्स फॉर यू, या आई फील उनका जो ये पार्टनर है ना उनके यहाँ पर इतना अंधेरा छा गया है, उन्हें सही और गलत के बीच में ना फर्क समझ में नहीं आ रहा है, लाइक समझ आकर भी इट्स लाइक उन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि वो अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकाले, अपने आप को बचाने के लिए इट्स अ स्ट्रगल। वीव गॉट अंकित, वीव गॉट दैट लेटर ए, ए काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है। वीव गॉट 008488, तो 8 बहुत स्ट्रॉन्ग है। वीव गॉट शाइनी, सो दैट एस। बिग फैट बिल्स, तो या ये आपका कार्मिक सिस्टम ने काफ़ी इसका खर्चा करवाया है और अभी भी प्रॉबली थ्रू एलुमिनी फॉल्स ब्लेम्स एंड गलत चीज़ों के ज़रिए वो ढेर सारा पैसा इतने ही कोशिश कर रही है। वो 2016, तो समथिंग अबाउट 2016। एंड वी गॉट आई हैव कॉट कार्मिक इन लाइज, या तो ये कार्मिक सिस्टर, कार्मिक फीमेल अच्छी खासी फंस गई है। व्हेन वी गॉट फैजल, सो दैट्स द लेटर एफ। ओके, लेट्स गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस ऑन दिस वन। One guiding closing message, please. We've got projection. ये कार्मिक सिस्टर ने काफ़ी projection आपके ऊपर भी किया था, आप बहुत थक गए थे, like गलत वो करते थे, अपनी कुछ सोच को वो आपके ऊपर project करते थे, जो चीज़ आपने कभी किया भी नहीं उसके लिए, उसको लेकर के उन्होंने आपको बहुत सुनाया होगा, जानबूझ के आपकी जगह ख़राब करने की कोशिश की होगी, जिसकी वजह से आपको बहुत पेन हुआ है। एंड दे आर काइंड ऑफ डूइंग द सेम स्टफ अपने पार्टनर के साथ भी, ये कार्मिक फीमेल। सो बट 7 एंड 9, तो उनका पार्टनर भी काफ़ी यहाँ पर हैरेस्ट हो चुके हैं। बिना प्यार की शादी में दिप्सा फॉर द लॉन्च। वी गॉट कॉन्शियसनेस, आई थिंक ये पर्सन इस एक्सपीरियंस को पाने के बाद दे मैच्योर्ड ऑफ एंड काइंड ऑफ उन्हें रियलाइज हो रहा है कि शायद आपके विषय में भी जो बातें
आपकी कर्मिक सिस्टर और कर्मिक फैमिली मेम्बर्स ने जो बातें फैलाई थी वो झूठ थी, एंड प्रॉब्ली पहले आपने अपने आप को उन लोगों से छुड़वाया था और आपको इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी जानकारी है, तो वो आपके पास ही आएंगे हेल्प मांगने के लिए आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन से, वो आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। दिस यू एज अ डिवाइन फेमिनिन बिफोर डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है, तो वो आपसे ही मदद मांगने के लिए आएंगे। आपके कार्मिक सिस्टर का पार्टनर या कार्मिक फीमेल का पार्टनर, ताकि आप उनकी मदद कर सको। सो इट्स अप टू यू अगर आप उनकी मदद करना चाहते हो कि नहीं, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, ठीक है।